देखिए दो बात है, अगर हम संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत कोई निर्णय लेते हैं तो उच्च न्यायालय हो सर्वोच्च न्यायालय हो प्राथमिकता के आधार पर यही देखती है कि अगर किसी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा तो वहाँ भी एक्सटेंड नहीं करेगा। इसलिए चाहिए कि सरकार को जल्द से जल्द इस पर एक विधि सम्मत निर्णय लेते हुए झारखंड राज्य के जो शिक्षित बेरोजगार जो सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं, और आज अगर हम लोग देखें तो लगभग 3,59,00,000 से ज़्यादा नियमित यहाँ पर रिक्तियाँ, तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द एक विधि सम्मत और सर्वसम्मति से झारखंड राज्य के 3.5 करोड़ लोगों के हितों में एक 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के आधार पर ही नियोजन नीति सरकार लागू। आप लोग भी राजनीति प्रोपेगेंडा में फंस गए यानी कि? नहीं, कहीं कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं है। आपको पता होगा कि आजू पार्टी शुरू से ही सदन से लेके सड़क तक इस मुद्दे को लेके 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण 27% करने को लेके हमेशा से आंदोलन कर रही है, और जब तक ये सरकार लागू नहीं करती है, जमीन पर लागू नहीं हो जाता, तब तक सरकार आंदोलन करती रहेगी और इन दोनों विधेयकों को लागू करने के लिए सरकार के तो साथ सरकार है। का कोई मामला ही नहीं है यहाँ पे, अब तो केंद्र के जिम्मे पूरा ये केंद्र। देखिए हम लोग तो शुरू से आप देखोगे कि हम लोग का स्टैंड बहुत क्लियर है कि सरकार पहले 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड में लागू करे, ओबीसी आरक्षण 27% झारखंड में लागू करे, फिर इसके बाद संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजिए। तो हम लोग का शुरू से ये तो भेज दिए, अब यहाँ पे आए थे कि भेजा जाए। ऐसा है, राज्यपाल महोदय से इन दोनों विधेयकों पर अनुमोदन करने हेतु आग्रह करने के लिए यहाँ पर आया गया था, और महामहिम राज्यपाल से आग्रह किया गया कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण 27% SC ST का 2-2% आरक्षण बढ़ाने का जो विधेयक आपके समक्ष विचाराधीन है, महामहिम राज्यपाल से आग्रह किया गया कि जल्द से जल्द उस पर आप विधि सम्मत निर्णय लिए, आग्रह किया गया महामहिम से। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।